हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो, तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है, सभी का खून शामिल है, लगी कुर्बानियां सबकी, के हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया। हे गाइस, तो कैसे हो आप सारे? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एंट्री गन पे। और आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट दी सर्वाइविंग आइलैंड। और मेरे पास आज भी आपके लिए बहुत कुछ है दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं विलेजर्स के पास जाता हूँ और मुझे जो है पता चल गया कैसे जो है मैं बहुत सारे विलेजर्स को पैदा कर सकता हूँ। मतलब कि मुझे ज़्यादा उनको खाना देने की ज़रूरत नहीं है, पर खाना देना पड़ेगा। ओके, पहले तो मैं थोड़े से वूल देख लूँ। यहाँ पे वूल होंगे? वूल नहीं है। मुझे थोड़े से शेयर से लेने पड़े, मतलब ये लेके जो मैं चलता हूँ। ओके, मुझे थोड़े से वूल इकट्ठे करने हैं। और मैं बताता हूँ कैसे जो है आप बहुत सारे विलेजर्स ले सकते हो। ये नहीं कि यार आपको बस खाना खिलाना है। मेरे को एक ट्रिक पता चली है, ये शायद मेरे को पहले ही पता चल जाती पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और मैंने अपना फार्म इधर शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखो यार, मेरे पास कितनी सारी रंगीनी रंगीनी ये शीप्स हो चुके हैं। मेरे को पीली वाली शीप्स चाहिए। ओके, आराम से। ओके, मैं पहुँच गया। बस मुझे इनका वूल लेना है मेरे को, क्योंकि पीले बेल्ट लगाने हैं ना सारे। एक दो, रुको आ जाओ। अरे आना यार, आया आया। कितने हो गए मेरे पास? मेरे पास 6 हो चुके हैं। तो एक बेड बन जाएगा, नहीं 2 बन जाएंगे बेसिकली। कोई नहीं, अभी हमको एक बेड बनाना है, एक बाद के लिए रख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे एक वेंडिंग ट्रेड आएगा। 2 मिनट रुको गाइस। हाँ ओके, क्या है? ओके, मेरे को ये वाला चाहिए रहेगा। मैं आया, डर्ट चाहिए मेरे को, डर्ट। इस पे शायद हम क्या मशरूम उगा सकते हैं? आई थिंक सो, मशरूम उगा सकते हैं इस पे। मैं आया थोड़े से एमरल्ड लेके। और यार मेरे पास आज एक चैलेंज भी है आपके लिए, मतलब कि ये बेसिकली चैलेंज अगली वीडियो में आएगा। कुछ है यार, मैं आपको बताता हूँ, रुको। सारे एमरल्ड लेके जाता हूँ यार मैं। 35 एमरल्ड है मेरे पास टोटल, बहुत हैं यार, काफ़ी सारे एमरल्ड हैं मेरे पास। एक चैलेंज ये है कि मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जैसे कि 10 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जो मेरे पास जितने भी डायमंड हैं वो मैं सब एक, ओके, वो जितने भी मेरे पास डायमंड है, पहले मैं डायमंड दिखाता हूँ मेरे पास कितने हैं टोटल। शायद मेरे पास 10 डायमंड, नहीं सॉरी, हाफ स्टैक डायमंड होगा यार। आई बेसिकली थिंक दैट, देखता हूँ कितने डायमंड है मेरे पास, रुको आ जाए सारे। ओके, मेरे पास हाफ स्टैक डायमंड है। और मैं सभी डायमंड को जो है जला दूंगा लावा में अगर मेरे को मेरे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ओके, मैं पहले एक बेड बना लेता हूँ। ओके, तो ये है कुछ कंडीशंस, अगर मेरे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं ये कर लूँगा, अगर होते हैं तो। ओके, तो देखते हैं कब तक होगा ये, इसी हफ्ते तक रहेगा। अगर अगले हफ्ते के लिए अगले हफ्ते 10 सब्सक्राइबर होते हैं तो फिर मैं ये चैलेंज नहीं कंप्लीट करूंगा। अगर इस हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि आज क्या है, मैं पहले चेक करता हूँ क्या है आज। आज है ट्यूसडे। ओके, अगले संडे। ओके, बस इतना ठीक है। अगले संडे तक अगर हो जाते हैं तो मैं अपने डायमंड जला दूंगा, अगर नहीं होते हैं तो मैं अपने डायमंड नहीं जलाऊंगा। अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बहुत सारे विलेजेस इकट्ठे कर लिए हैं। देखो यार, यहाँ पे मैंने कितने सारे विलेजेस इकट्ठे कर लिए हैं। और इनमें ना आपको, जैसे कि यहाँ पे अभी देखो लिमिटेड बेड्स हैं, तो ये जो है नहीं करते कुछ पुछू मैं। ओके, ये कुछ पुछू नहीं करते, तो आपको क्या रहता है, आपको एक एक्स्ट्रा बेड लगाना होता है। कौन सा? इधर इधर, जैसे आप एक बेड लगा दोगे तो ये अपने आप ही जो है कुछ पुछू करना स्टार्ट कर देंगे। देखो इनका लव होने लग गया, मतलब कि अब 2 मिनट में वेट करता हूँ, ये शायद कर लेंगे। ओके, ये लाइब्रेरियन थोड़ा सा लग रहा है भाई साहब, किसकी वाला? ओके, जल्दी से एक बच्चा आया तो ठीक है, फिर मैं उसके लिए वर्क स्टेशन लाऊंगा। वर्क स्टेशन में हम लाएंगे एक, क्या लाऊंगा मैं वर्क स्टेशन में? मैं एक और कार्टोग्राफर को करूंगा। मैं 2 लाइब्रेरियन तो बुलाया, एक फिशरमैन बना लिया है। नहीं मेरे को प्यार, ओके रुको यार, मेरे ब्रेड वगैरह भी नहीं है, तो हम थोड़ी देर में आते हैं, इनको ब्रेड वगैरह भी दे देंगे साथ में। पर देखो आप में, ये तो देखा कि इनमें भाई साहब दिल तो उग रहे हैं, मतलब प्यार तो करेंगे अभी ये। अब जल्दी से, ओके हो रहा है हो रहा है। अरे यार करो, एक ऐसा बच्चा कर लो भाई, वो मेरे को लग रहा है ये वाले करेंगे, फिशरमैन और लाइब्रेरियन करेंगे। कर ले कर ले कर ले, ओके हो गया। ओके, ये देखो गाइस, बेबी हो गया, बेबी ने बेड भी सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे करते हैं, ओके
जब भी आपको कोई बेबी पैदा करना हो जल्दी से, तो आप एक बेड रख दो और थोड़ी देर के लिए उनको थोड़ा बहुत खाना दे दो, तो ये अपने आप ही कर लेते हैं। ओके, ये इजी सा है। और आज हम कुछ बनाएंगे, ऑटो फार्म, वो फार्म नहीं होगा एक हिसाब से, वो मेरा होगा सेटअप, मतलब कि यार जो मेरा आर्मर है वो मेरे को ऑटो में मिलेगा। ओके, जैसे कि बस मुझे ऐसे निकलना है और मुझे आर्मर मिल चढ़ जाएगा मेरे अपने आप, जैसे आयरन मैन सूट होता है ना, वैसे बेसिकली थोड़ा सा ऐसा का है। हाँ थोड़ा सा अजीब सा है, पर बहुत ज़्यादा यार मज़े आने वाले इसको बनाने के लिए। हम पहले सोएं क्या? मेरे को लगता है मेरे को पहले सोना चाहिए, फिर जो है मैं बनाऊंगा। Good night, girl. I'll see you tomorrow. उसके लिए मतलब उसको बनाने के लिए मेरे को शायद डिस्पेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, डिस्पेंसर पहले तो मैं जो है एरिया मार्क कर लेता हूँ, मुझे कहाँ पे बनाना है उसके लिए। वेट गाइस, कैसे था? हाँ 5 ब्लॉक लेने थे मुझे, अभी मुझे यार इतना भी याद नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। ओके ऐसे लेने थे। अब ये नीचे वाला ढक देता हूँ, पता नहीं क्या क्या कितना का है ये, तो मैं इसे ढक के आता हूँ यार जल्दी से। अरे यार मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, पर अब मैं सारा देख के आ गया कैसे कैसे करते हैं। ओके अब हमको चाहिए 4 डिस्पेंसर। ओके और पहले जो है मैं नीचे सैंड ये रख देता हूँ, रुको गाइस चेक कर लूँ सही तो है। 1, 2, 1, 2। ओके सही है, अब बस इसका मुंह जो है ऊपर को होना चाहिए। ओके बिल्कुल ऐसे है, और अब हमको नीचे वाला ब्लॉक जो है उसको हटाना है। ओके ये सही है, और यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट लगा देनी है। कहाँ मेरी प्रेशर प्लेट? प्रेशर प्लेट लगा दो आप यहाँ पर एक, बहुत सही। अब हमको चाहिए रेड स्टोन, सॉरी रेड स्टोन डस्ट कह लो जो कहना करो। 1, 2, 1। ओके ये देखो हमने ऐसे लगा दिया। अब आपको क्या करना है, सॉरी वुडन प्लैंक लगा दो यहाँ पर। ओके यहाँ पर भी, और अब आपको चाहिए रेड स्टोन, सॉरी ये रेड टॉर्च, फिर एक एक। ओके देखो ऐसे आप लगा दोगे तो ये अब वर्क करने लग जाएगा। आई थिंक यार ये वर्क करे, नहीं किया तो यार सारी बात बकवास जाएगी। अब आपको एक और ब्लॉक यहाँ पर लगा देना है बिल्कुल उसके ऊपर रेड स्टोन टॉर्च के। ओके अरे यार लग जा, रुको यार ऐसे ही लगाना पड़ेगा और फिर इनको हटाना पड़ेगा। ओके अब एक और टॉर्च यहाँ पर होनी चाहिए, एक यहाँ पर, और रुको गाइस अब था यहाँ पर एक और ब्लॉक, गलती कर यार जो भी मैं करता हूँ गलती क्यों होता है, ऐसे ही कर लेते हैं यार। ओके अब इसको हटा देते हैं सबको। और यार एक ऐसे ट्यूटोरियल वीडियो मत लो, क्योंकि मुझे को भी अभी पूरा बनाने नहीं आता, जैसा जैसा आता है मैं बना रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा आइडिया तो है कि भाई इसको बनाते कैसे हैं। अब क्या करना था आगे? आई थिंक सो ऐसे ही होगा, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब डिस्पेंसर ले लो फिर से, अब ये डिस्पेंसर जो है इधर को फेस करना चाहिए। ओके ये वाला डिस्पेंसर इधर को, रुको। ओके अब जो है काफ़ी सही सा लग रहा है। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना रहेगा और लास्ट डिस्पेंसर ऊपर का लगा देना है हमको। ओके थोड़ा सा और ऊपर, पहले तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दूँ जिससे ये लगे। ओके तो देखो यार ऐसे कर देना है पूरा, पहले तो मैं इसको हटाऊँ, मेरे को रेडस्टोन लगाना है, रुको। तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल पड़ेगा सर्वाइवल में, अगर अब आप इसको हटा भी सकते हो, अगर आप रखना चाहो तो रख भी सकते हो। ओके ये 2 ब्लॉक्स को रुको, अरे क्राउच हो जाओ डिस्पेंसर पे लगाने के वक्त, क्राउच हो जाओ तो सही रहता है। ओके आप इसे पूरा कर दो, तो अब ये जो है सारे के सारे एक साथ वर्क करेंगे। और एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे ब्लॉक रख देता हूँ यहाँ पे, बस एक टेस्टिंग के लिए, अगर ये नहीं चला तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को अपना ये बॉडी आर्मर उतारना पड़ेगा। आ जाओ यार, ओके तो मैं नीचे वाले में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं अपने ये जूते, ऊपर वाले में डाल देता हूँ हेलमेट, साइड वाले में मतलब कि राइट साइड वाले में पैंट, और लेफ्ट साइड वाले में ये। ओके हो गया, अब शायद टेस्ट करते शायद लग जाए, भाई क्या बता लगा क्या? अरे सिर्फ बूट्स लगे यार, ये अभी कनेक्टेड नहीं है मेरे को लग रहा है, चेक करना पड़ेगा यार कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है।
थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओके तो मैंने क्या था जो प्रेशर प्लेट के नीचे रेड स्टोन लगाना तो वो मैं भूल गया था। ओके अब लगा दिया मैंने और अब इसके ऊपर ब्लॉक लगा सकता हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत गलती करता हूँ। कहाँ गई मेरी प्रेशर प्लेट, कहाँ गई? तो मैं प्रेशर प्लेट तो लेके आ गया, अब मैं यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगा के चेक करता हूँ, शायद वर्क करे अब इस बार। ओके तो मेरे देखो यार सारे लग गए। ओके अब ये अच्छे से वर्क कर रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा कवर करता हूँ और अब जाता हूँ मैं, रुको भाई, सेटिंग में और थर्ड पर्सन कहीं काफ़ी बड़ा है तो मुझे इसको भी चेंज करना रहेगा। ठीक है अब मेरे को जो है अपने ये वापस उतारने पड़ेंगे आउटफिट। आ जाओ यार। ओके तो यार ये वर्क तो कर रहा है, मतलब ये मेरी थोड़ी मोटी गलतियाँ थी बीच में पर अब वर्क कर रहा है। ओके इसमें डाल देता, ओके जूते डालने हैं मुझे बेसिकली। और यार अब भी तो मत ऐसा खुल तो जा, खुल क्यों नहीं रहे? तो मैं रेडी हूँ गाइस, अब देखते हैं यार ये वर्क करता है कि नहीं करता। ओके तो खुद देखो यार वर्क करता है, मेरे पूरे आउटफिट लग गई। अब बस मुझे इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देना है, अब उसके लिए देख मैं इसको सजा दूंगा, बाद में सजाऊंगा, अभी तो मैं इसके ऊपर टॉर्चेज वगैरह लगा देता हूँ सिंपल, बाद में सजा दूंगा इसको अच्छे से। अब ठीक लग रहा है मुझे, अब मैं पहले अपनी आउटफिट डाल देता हूँ उसके अंदर, जब मेरे को हो जाएगा तैयार मैं इसे पहन लूंगा। ओके नीचे डालने हैं हमको अपने शूज, यहाँ पर डालने हैं लेगिंग्स, इस साइड वाले में डालने हैं ये, और ऊपर वाले में डालने हैं अपना हेलमेट। ओके तो ये पूरा रेडी है और काफ़ी अच्छा भी है यार। अभी ये हमको अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी अपने आर्मर को बार बार पहनने की, बस हमको इसके अंदर से एक बार गुजरना है और मेरा आर्मर मेरे शरीर पे होगा। और मुझे गाइस एक और चीज़ चेंज करनी है अपनी, ये शुगर फार्म शुगर केन की जगह, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। ओके क्योंकि ये सनलाइट रोक रहा है मेरी ऊपर वाली वॉल, और ऊपर वाली वॉल मुझे ज़रूरी है तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले यार मैं कुछ सोना है क्योंकि भाई भूख लग रखी है, ऊपर से रात पे हो गई, सो जाते हैं यार जल्दी जल्दी, फैंटम वगैरह ना पड़े। गुड नाइट गर्ल, आई सी यू टुमारो। तो चलो यार सुबह हो चुकी है, अब जो है मेरे को पहले थोड़ा खाना खाना चाहिए। यार पहले जो है मेरे को आपको ये दिखाने अंडे अपने, क्योंकि यार ये पूरा भर चुका है, मतलब कि यार ये लोग इतने अंडे देते हैं, आप खुद देखो पूरा एक ये भर चुका है और एक ये नीचे वाला ही भर चुका है, मतलब कि क्या करूं मैं। तो मेरे को जो है क्या क्या कहते हैं उसको, ये जो है क्या पंपकिन पैन केक बनाना है मेरे को, तो उसमें अंडे की जरूरत पड़ती है तो हम इससे बना लेंगे। पहले मैं अपने सारे पंपकिन ले लूँ, तो इसको हमको पता कैसे बनाना है, हमको रखना है एक पंपकिन इधर, एग शुगर। ओके ये देखो आ गया हमारे पास पंपकिन पैन केक, देखो पंपकिन पाए, सॉरी ये पंपकिन पाए, पंपकिन पैन केक क्यों कह रहा हूँ। तो अभी तो हमारी यार ये फुल है तो अभी हम खा नहीं सकते, पर जितने भी मेरे अंडे होंगे मैं इनको ऐसे कर दूंगा कि हम इसके ये पैन केक बना, सॉरी पाए बना लेंगे, क्यों बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ, पाए बना लेंगे। ओके सबसे पहले तो मुझे कार्टोग्राफर का टेबल चाहिए, मुझे जो है उसको वर्क भी देना है उस बच्चे को, तो मैं यही टेबल यूज़ कर लूँगा अभी के लिए। ओके आ जा। और मेरे को अपनी शील्ड चाहिए, मेरे को शील्ड डालनी है उसके अंदर, मशीन के अंदर, मैं कहाँ पे डालूँ, मैं साइड वाले में डाल देता हूँ उस शील्ड को भी। ओके अब ठीक लगेगा, अब जो है मैं किसको वर्क टेबल दे गया हूँ। ओके तो यहाँ पे रखना है मुझे इसका वर्क स्टेशन, सॉरी सॉरी तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये रहा वर्क स्टेशन। ओके अब ये बस ले ले अपना वर्क स्टेशन, तो भाई बहुत अच्छी बात है, किसी और ने ले लिया वर्क स्टेशन? नहीं वो बच्चा नहीं, क्या हुआ ये बच्चा बड़ा भी हो गया इतनी जल्दी? अबे अभी तो रुको पहले तो देखूँ यही है ना, हाँ गाइस ये बच्चा बड़ा भी हो गया भाई, देखो इतनी जल्दी बच्चे बड़े हो गए इसके, तो जिस अब तो आपको देखो खुद पता चल जाएगा भाई हम कितनी जल्दी विलेजेस बना सकते हैं। बस आपको थोड़े से ब्रेड चाहिए और एक बार सबको बांट दो और फिर बस एक बेड लगा के वहाँ से खसक लो और ये बच्चे अपने आप पैदा करते रहेंगे भाई, करते रहेंगे, बहुत सही हो जाएगा। अभी मैं शुगर केन फार्म शुगर केन को भी शिफ्ट करता हूँ। क्या यार मैं इधर ही बना लूँ क्या साइड पे एक छोटा सा शुगर केन का, कई पम्पकिन उगने भी लग गए, पम्पकिन यार बहुत तेज उगते हैं तो बहुत सही है हमारे लिए, हमारे सारे अंडे ख़त्म हो जाएंगे। के तो पहले मेरे को थोड़ी डर्ट चाहिए रहेगी, नहीं सैंड और डर्ट दोनों चाहिए।
சிங்கல் பசங்க இப்ப மிங்கல்லாக வந்திருக்கோம், தாஜி மகால் கட்டறி செங்கல் போட்டுங்க. சிங்கல் பசங்க இப்ப மிங்கல்லாக வந்திருக்கோம், கமிட்டடுங்க ஸ்டேட்டஸ் பார்த்த சிங்கல் போட்டுங்க. சிங்கல் பசங்க चढ़ा रहे हैं ये मुझे. ओके इतने ठीक है. अब बाकी का जो है मैं बाद में शिफ्टिंग वगैरह करता रहूँगा और देखते हैं भाई और क्या बना सकता हूँ मैं आज, क्योंकि आज मेरा ज़्यादा कुछ करने का मूड नहीं है. आज मेरे को कुछ बस बनाना है भाई, कुछ सामान वगैरह अच्छा सा, ऑटो फार्म जैसे कुछ हो. देखते हैं अब और क्या बना सकते हैं बस अब. ओके गाइस, तो बस अब हमारे पास कुछ हुआ मतलब रह नहीं गया, वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया. पर उससे पहले हमको एक और चीज़ मतलब लगानी है. ओके क्रीपर, माँ की आँख भाई. ओ भाई हट 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 हट, मेरे को जोड़ने दो उसको यार. कोई नहीं, भैंस बेहतरीन क्या यार. अरे और मत गिरो और मत गिरो और मत गिरो और मत गिरो और मत गिरो. अरे यार क्रीपर भाई तू कहाँ से आ गया, मर जा तू भैंस फिलहाल तो. अरे यार मेरा जगह को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है क्रीपर ने. मेरा वो कहाँ गया कारपेट, पहले तो इसको बांधू. अरे यार कतई गंदा वाला सीन कर गया क्रीपर मेरे साथ. अब मेरे को इसको सबको ठीक करना पड़ेगा यार. सबसे पहले तो मुझे अंदर जाना है, ये सब कलेक्ट. ओके मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा. ओ वाह मेरे पास इतना कुछ है, क्या फेंकूँ, ये फेंक देता हूँ. मुझे बस लैदर इकट्ठी करनी है. पर यार मेरी इतनी सारी भैंसें मर गई यार, मेरे को दुख बहुत हो रहा है यार अपनी भैंसों के लिए. पर चलो कोई नहीं, अब यार बहुत गंदा लगा क्रीपर भाई. अगली बार मुझे दिखा ना मैं भाई बहुत गंदा मारूंगा उसको साले को. ओके कोई बात नहीं. और ये थोड़ा सा मैंने यार यहाँ से एरिया बड़ा किया है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा मशरूम, क्योंकि यार क्या कहते हैं उसको क्या हमारा वर्ल्ड कुछ क्या कहते हैं यार उसको, दो मिनट गाइस, क्या यार क्या कहते हैं उसको यार जो लड़कियों को कहते हैं लड़के क्या, हाँ ब्यूटीफुल. तो इससे थोड़ा सा वर्ल्ड जो है हमारा ब्यूटीफुल लगेगा. मेरे पास ये वाली मैं आज वैसे करने नहीं वाला था ये, पर मेरे को ये वाली सैंड मिल गई तो अब हम ये लगा सकते हैं. ओके सबसे पहले मैं एक यहाँ पे गड्ढा कर लेता हूँ, यहाँ एक यहाँ पे लगाता हूँ और एक थोड़ा सा एंड पे. मैं दो ही लगाऊंगा अभी क्योंकि यार ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं दो लगाऊंगा रेड वाले. ओके ये ठीक लगेगा ना इतने पे, कि इसको थोड़ा पीछे कर दूँ, थोड़ा सा पीछे करना चाहिए यार. हाँ यहाँ पे सही लगेगा, तो मैं लेके आता हूँ. मैं इसको पहले देखूँ मेरे पास तो है, हाँ मेरे पास ही है ये, दो ही हैं. ओके भाई बहुत सही, एक दो. अब मैं इनको थोड़ी बोन मील दे सकता हूँ तो अभी बड़े हो जाएं जल्दी जल्दी. एक दो. ओके एक मशरूम बड़ा हो गया, आप थोड़ा सा पीछे हटके. एक दो तीन चार पाँच छः, मेरे को शायद इसको थोड़ा सा दूर करना चाहिए. भाई बहुत ही गंदे सीन हुए मेरे साथ क्रीपर भाई. अगली बार मेरे को मिला ना भाई उसकी तो मैं क्या करूँगा भाई. अभी थोड़ा सा यहाँ पे डिक करते हैं. ओके अब इसको हटाना पड़ेगा. अच्छा आओ तो क्या शुक्र है, मेरे को लगा आया है, आएगा नहीं. रख दो. अब बोन मील का है हमारी एक. ओके एक में ही बड़ा हो गया और ये अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है, आई होप कि अच्छा दिखे. तो चलो यार ये तो हो गया. और मैंने ये जो है पूरा जो ये शुगर केन का था ये देखो पूरा ब्लॉक कर दिया हर एक जगह से, अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है. ओके अब यार इसको भी बनाना पड़ेगा मुझे भाई, बहुत दिक्कत है ज़िंदगी के साथ. कोई नहीं यार इसको तो मैं अगली वीडियो तक कंप्लीट कर लूँगा और मेरे को अपनी भैंसें फिर से बनानी पड़ेंगी बहुत सारी. और यहाँ पे मैं अच्छे से टॉर्चेस लगाऊंगा यार, क्रीपर स्पॉन ना हो अगली बार. चलो फिर कोई नहीं यार, इस बार तो स्पॉन हो गया. एक और वेंडिंग ट्रेडर आ गया, ये शायद वही वाला वेंडिंग ट्रेडर है, छोड़ो.
आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे अब वीडियो को एंड करना ही पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ पे मेरे साथ हादसे पे हादसे हो रहे हैं। सो आई होप गाइस यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो फिर यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। और अगली वीडियो में हम जाएंगे थोड़ा सा एडवेंचर करने, क्योंकि यार मेरे को सीक्रेट रिवील करना पसंद है और मैंने अगली वीडियो का टॉपिक अभी बता दिया। तो अगले पे हम एडवेंचर करने जाएंगे और 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे, मतलब देखते हैं कितने दिन पे हम वापस आए थे। चलो फिर यार आई होप आपको वीडियो अभी भी पसंद आ रही होगी। मेरा इतना सारा गंदा हो गया, मेरा सीन क्रीपर फट गया। और बेसिकली यार ये वीडियो है, मुझे कुछ बनाना नहीं था, मेरे पास कुछ था नहीं ऐसे करने के लिए, तो मेरे को थोड़ा टाइम पास करना था। तो मैंने एक ये बना लिया आर्मर सेट और कुछ काम कर लिए अपने जो रह गए थे। ओके सो आई होप गाइस कि आपको पसंद आएगा और आप बुरा नहीं माने होंगे। और अगली वीडियो में हम फिर से जो है अपना कंटिन्यू कर लेंगे एडवेंचर। ओके अगली वीडियो में मैं जाऊंगा ट्रेजर ढूंढने और वहीं पे हम विलेजर वगैरह ढूंढेंगे, नए नए बायोम ढूंढेंगे। ओके अब देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं यार। आई होप यार आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट सायोनारा।